हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा में। आप सभी को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुका है, लेकिन हमें ऐसा भी अंदाज़ा नहीं था कि रेलवे हमारे साथ ऐसा कुछ खेल खेलेगा। तो देखिए, हमारे पास अभी नया नया एक नोटिफिकेशन आया है ALP का। इससे पहले मैंने जितने भी बार कहा ALP एंड टेक्नीशियन दोनों को साथ में कहा, पर इस बार मैं सिर्फ ALP कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सिर्फ और सिर्फ ALP का ही वैकेंसी को दिया गया है, इसमें टेक्नीशियन का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो देखिए, ये 2024 का पहला वैकेंसी है, तो इसमें लिखा हुआ है CEN नंबर 01/2024, क्योंकि ये क्या है 2024 का पहला नोटिफिकेशन है। लेकिन इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या दिया गया है, इस बार कुछ चेंजेस किया गया है या फिर जैसे पहले था वैसा ही है। तो देखिए, यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 1/2024। 2024 का पहला है किसके लिए? रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट ALP, ओनली ALP के लिए है, इसमें टेक्नीशियन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब रेलवे ये पूरी तरह से जताना चाहता है कि आप लोग जो सोचेंगे मैं उससे बिल्कुल अलग करूँगा, कुछ अलग ही चीज़ करूँगा। तो रेलवे कुछ वैसा ही कर रहा है। इसमें दिया गया है कि 20 जनवरी 2024, मतलब कल से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट कब तक है? 19 फरवरी, मतलब आपको लगभग 30 दिन का समय मिल रहा है। तो 30 दिन के अंदर अपना फॉर्म जरूर भर दीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट का जो वैकेंसी होता है, मतलब ये जो पोस्ट है ये लेवल 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका इनिशियल पे जो होता है 19,900 होता है और आपका ग्रेड पे जो होगा वो 1900 के 1900 होता है। लेवल 2 का ग्रेड पे होता है 1900, ठीक है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। रेलवे में सबसे ज़्यादा हार्ड जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो ALP का ही होता है। ALP का मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हार्ड है A1, ठीक है। A1 मतलब आपका आँख में अगर थोड़ा सा भी 0.23 या फिर 0.5 का भी अगर प्रॉब्लम है आपके आँख में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एज जो है इसमें 18 से 30 साल तक मांगा गया है, और वैकेंसी जो आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे उतना वैकेंसी दिया गया है, इतना ज़्यादा, समझ जाइए मेरे ज़्यादा बोलने का मतलब क्या है। 5,696 सिर्फ वैकेंसी है। मुझे पहले लगा था, जब मैंने इसको पहले देखा तो मुझे लगा शायद यहाँ पर 3 लिखने भूल गए होंगे, 3 यहाँ पर लिखे नहीं है। लेकिन बाद में अच्छे से देखे तो पता चला कि नहीं, ये सिर्फ 5,696 ही वैकेंसी है। तो बहुत बड़ा वाला मजाक कर चुका है रेलवे हमारे साथ। यहाँ पर कुछ आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में ये PDF दे दूंगा इसका, आप लोग इससे इसको पढ़ सकते हैं। इसमें उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको इसमें बताते रहूँगा। देखिए, इसमें जैसे बोले मेडिकल फिटनेस जो होता है ये आपका बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट का बोलने का मतलब क्या है? A1 मेडिकल होना चाहिए आपका। इसमें आप लोगों का टोटल 3 स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला होगा CBT 1, फिर CBT 2, और तीसरा जो होगा CBAT होगा। तीसरा क्या होगा आपका? CBAT। सब में आपका नेगेटिव, CBT 1 और CBT 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा? 1/3। मतलब आप अगर 3 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, 3 गलती पर 1 नंबर माइनस होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। कैसा सिलेबस है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं। नोटिफिकेशन में आगे दिया हुआ है उसमें बताएंगे कि क्या सिलेबस है और क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। CBT 1 में क्या कितना क्वेश्चन रहता है और CBT 2 में कितना क्वेश्चन रहता है, ये चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे। आप लोगों को ALP बनने के लिए कुल 5 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण रहेगा CBT 1, दूसरा CBT 2, तीसरा CBAT, चौथा DV रहेगा, और पांचवा में मेडिकल एग्जामिनेशन ME रहेगा, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मल मेडिकल कहते हैं। ये आपको टोटल 5 चरणों से गुजरने पर आप रेलवे में ALP बन सकते हैं। मेडिकल, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल आपका A1 होना चाहिए, जिसमें आपका आँख जो है 6x6 विदाउट ग्लासेस, मतलब थोड़ा भी आपका आँख में मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, विथ फॉगी टेस्ट, मतलब आपका वहाँ पर फॉगी टेस्ट भी लिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फीस देना होगा? अगर आप लोग UR, OBC या फिर EWS
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ₹500 देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप लोग ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको 250 देना होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको अगर आप लोग UR से सीरियल नंबर 1 से अगर आप लोग अप्लाई किए हैं तो आपको टोटल 190 के आसपास रिटर्न कर दिया जाता है। ₹100 आपका एग्ज़ाम चार्ज काटा जाता है और ₹10 कुछ टैक्स के हिसाब से काट के टोटल आपको 390 रिटर्न कर दिया जाता है। और अगर आप लोग सीरियल नंबर 2 से आप लोग मतलब अप्लाई किए हैं तो आप लोगों को 240 रिटर्न कर दिया जाता है। ₹10 वही टैक्स कटता है कुछ चीज़ में तो आपको 240 रिटर्न कर दिया जाता है। हाँ, ये भी रिटर्न जो किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को किया जाएगा जो CBT 1 को अटेंड करेंगे। अगर आप CBT 1 नहीं देने गए तो आपको ₹1 वापस नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग CBT 1 दिए हैं तो आप पास होइए या फेल होइए, आप जो भी हो आपको रिटर्न पैसा मिल जाएगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, CBT 1 में टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और एक जनरल साइंस पूछा जाता है। ये चार सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट तक आपके पास टाइम रहेगा। और अगर आप लोग UR और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मिनिमम 40% आपको लाना ही होगा। OBC वालों के लिए 30%, SC को भी 30% और SC को 25% लाना ही होगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। CBT 2 जो है ये टोटल 2 पार्ट में होता है, एक CBT पार्ट 1 एक पार्ट बी। पार्ट बी जो है 75 मार्क्स का होता है, ये ट्रेड पेपर रहता है, ये जो है ट्रेड पेपर है। इसमें आप लोगों को जो भी ट्रेड आप चूज़ करेंगे उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 75 मार्क्स का होगा, 60 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। इसमें आपको 35% लाना जरूरी है। अगर आप लोग पार्ट बी में 35% से कम लाते हैं तो आपका पार्ट ए चेक ही नहीं होगा, और अगर आप लोग 35 से ज़्यादा लाते हैं तो आपका पार्ट ए चेक होगा। मान लीजिए आप अगर पार्ट ए में 100 में से 90 मार्क्स लेके आ गए और आपका पार्ट बी में सिर्फ 20 मार्क्स है तो आपका ये पूरा बर्बाद हो गया, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए पार्ट बी भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ए आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और आपके पास 90 मिनट टाइम रहेगा, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और एक आपका जनरल अवेयरनेस दिया हुआ रहेगा। और आपका जो मेरिट बनेगा, मेन जो आपका सिलेक्शन होगा, वो आपका पार्ट ए का और CBAT का मार्क्स को ऐड करके ही मेरिट निकाला जाएगा। पार्ट ए का 70% और CBAT का 30%, इन दोनों को जोड़कर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो पार्ट ए में अच्छा नंबर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। आपके पास मैट्रिक प्लस ITI मतलब 10th प्लस ITI होना चाहिए। अगर इतना है आपके पास तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, हाँ, लेकिन और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ITI किससे होना चाहिए, NCVT या SCVT किसी से भी हो चलेगा, लेकिन ट्रेड जो है गिना चुना कुछ कुछ ट्रेड है, फिटर होना चाहिए या इलेक्ट्रिशियन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मील राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉइल बाइंडिंग मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर मैकेनिस्ट, RAC। इतना से आपका ITI अगर है तब ही आप ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कोई अलग ट्रेड से है तो आप ALP के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा और एक चीज़ है कि अगर आप लोग 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं, अगर आप लोग 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हैं तब भी आप लोग ALP के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आपके पास क्या है कि आप अगर डिप्लोमा किए हैं, चाहे 10th के बाद डिप्लोमा किए हो या फिर 12th के बाद, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं इन सभी स्ट्रीम से तो आप ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और एक चीज़, चौथा और एक चीज़ आपको दिया गया है कि अगर आप लोग डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा का जो स्ट्रीम है इसी से अगर आप लोग डिग्री किए हुए 4 साल का BTech या फिर BE किए हुए हैं तो भी आप लोग
अप्लाई कर सकते हैं एएलपी के लिए। तो अगर आप लोगों का इन चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल है, वरना आप लोग एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर जोन में कुछ इतना ही सीट दिया गया है। अहमदाबाद में 238, अजमेर में 228, बेंगलोर में 473, भोपाल में देखिए दो जोन आ जा रहा है। ये कैसे हो गया? एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ये दो जोन आ रहा है जिसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 219 और वेस्टर्न रेलवे में 65 है। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग भोपाल जोन से क्वालिफाई करते हैं तो आप इन दोनों में से प्रिफरेंस डाल सकते हैं कि आपको पहले कौन सा चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग वेस्टर्न रेलवे पहले देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वेस्टर्न रेलवे देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस में वेस्ट सेंट्रल रेलवे देते हैं, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको वेस्टर्न रेलवे ही मिल जाएगा, वरना फिर आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे भेज दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर दो जोन दिया गया है। वैसे ही भुवनेश्वर में सिर्फ ईस्ट कोस्ट रेलवे है जिसमें 280 सीट है, 280 सीट है। बिलासपुर में सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सबसे ज़्यादा जो सीट दिख रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही दिख रहा है। ये अजूबा ही हो गया क्योंकि बिलासपुर में सबसे कम सीट आता था, अभी तक का जितना भी फॉर्म आया था बिलासपुर में सबसे कम सीट होता था, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट है। वैसे ही सेंट्रल रेलवे में दिया हुआ है, बिलासपुर के अंतर्गत ही है, यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। तो इसमें कितना है, 124। चंडीगढ़ से है 66, चेन्नई से 148, गोरखपुर से 43, गुवाहाटी से 62, जम्मू कश्मीर से 39। वैसे ही कोलकाता जोन में देखिए दो जोन है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में 254 और साउथ ईस्टर्न रेलवे में 91, सिर्फ 91 पोस्ट है। वैसे ही मालदा में भी आ जाता है ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों। ईस्टर्न रेलवे में आ जाता है 161 और साउथ ईस्टर्न में आ जाता है 56। मुंबई में उसे देखिए तीन जोन आ गया है, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे में आ जाता है 29 सीट, वेस्टर्न रेलवे में 110 और सेंट्रल रेलवे में 411 सीट है। मुजफ्फरपुर में 38, पटना में भी 38, प्रयागराज में 241, प्रयागराज के एनसीआर में 241 है और एनआर में है 45। रांची में दिया हुआ 153 जो कि साउथ ईस्टर्न के अंतर्गत आता है। सिकंदराबाद में दो जोन आ जाएंगे, ईस्ट कोस्ट और साउथ सेंट्रल रेलवे। ईस्ट कोस्ट में 199, साउथ सेंट्रल में 559। सिलीगुड़ी में आ जाएगा आपका 67 और तिरुवनंतपुरम में आ जाएगा 70। तो इसी प्रकार से टोटल जो सीट हो जाता है 5,696 सीट, बहुत ही कम सीट है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।